अस्पतालों में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से स्वास्थ्यकर्मी मानसिक तनाव का शिकार हो रहे हैं और इनमें युवा तेजी से डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। देश भर में कोरोना वायरस से संक्रमित होने वाले लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। महाराष्ट्र में संख्या बाकी राज्यों के मुकाबले तेजी से बढ़ रही है। हर बीतते दिन के साथ मुंबई में कोरोना के केसों की गिनती नई ऊंचाई छू रही है। शहर के अस्पताल क्षमता से ज्यादा भरे हुए हैं। कई मरीजों को बेड मिलने में दिक्कत आ रही है। दरअसल ये वो हालात हैं जिसे किसी हेल्थ केयर वर्कर ने सपने में भी नहीं देखा था। युवा डॉक्टर्स हफ्तों से वो जिंदगी जी रहे हैं जिसके लिए उन्हें ट्रेनिंग ही नहीं मिली। अब हालात ही ऐसे हैं कि ये काम करते हुए ही सीख रहे हैं। ऐसे में कोविड-19 वार्डों में काम कर रहे डॉक्टर्स की मनोस्थिति पर क्या असर पड़ रहा है, ये एक बड़ा सवाल है और लगातार ये मामला गंभीर भी होता जा रहा है। रेजिडेंट डॉक्टर्स के मुताबिक पीपीई के अंदर थका देने वाले घंटों बिताने के बाद आप ना तो ब्रेक ले सकते हैं ना ही टॉयलेट जा सकते हैं। इन सब बातों से हटकर सिर्फ उन रोगियों पर फोकस रखना है जिन्हें मेडिकल केयर की जरूरत है। ये ऐसा नहीं है कि आपको अपना सब कुछ देना भी समस्या को सुलझा सकता है। आप एक वायरस से लड़ने के लिए फ्रंटलाइनर वॉरियर हैं, जिस वायरस की प्रकृति पूरी तरह से किसी को नहीं पता। सबसे बड़ा खतरा खुद संक्रमित होने का भी है। दरअसल यही हालात जब स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े लोगों में लंबे समय तक रहते हैं तो मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर इसका असर पड़ना तय है। स्वास्थ्य कर्मियों के पीपीई किट में बीतने वाले 6 घंटे बेहद तकलीफदेह साबित हो रहे हैं। कई डॉक्टर्स और नर्स काम करने के दौरान भारी मानसिक तनाव का सामना कर रहे हैं। इससे बचने के लिए कई स्वास्थ्यकर्मी नियमित तौर पर प्राणायाम योग का सहारा ले रहे हैं। कई स्वास्थ्यकर्मी अपनी समस्याओं को दोस्तों और वरिष्ठ डॉक्टरों के साथ साझा कर तनाव कम कर रहे हैं। दरअसल कोरोना की लड़ाई में सबसे आगे स्वास्थ्यकर्मी ही खड़े हैं, इसलिए ज्यादातर दिक्कतों का सामना भी इन्हीं को करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से इन्हें कई तरह की शारीरिक और मानसिक समस्याएं झेलनी पड़ रही हैं, जिसमें डिप्रेशन एक बड़ी समस्या बनकर उभरा है, जिसको लेकर विशेषज्ञों ने ये चेतावनी दी है कि इस समस्या पर जल्द से जल्द ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि जैसे जैसे कोरोना के संक्रमितों की संख्या बढ़ती जाएगी वैसे वैसे स्वास्थ्य कर्मियों पर मानसिक तनाव भी बढ़ता जाएगा। ये किसी के लिए भी ठीक नहीं। स्पेशल डेस्क, टोटल न्यूज़।